नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के शेयर के बारे में। बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आई हैं, उनके बारे में बात करेंगे और साथ के साथ जानेंगे कि टाटा पावर का आने वाला फ्यूचर जो है वो कैसा होगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने टाटा पावर के अंदर पैसा लगाया होता आज से साल 6 महीने पहले, तो आपका पैसा आपको ज़बरदस्त जो रिटर्न है वो बना के दिया होता। अगर आप 5 दिन पहले का ग्राफ देखेंगे तो 108 रुपये रेट था और अभी 113 रुपये के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। 1 महीने पहले की प्राइस देखेंगे तो 86.70 पैसा प्राइस था और अभी 113 रुपये, यानी कि 50% का जो मार्जिन है वो आपको दे चुका होता अगर आपने 1 महीने पहले पैसा लगाया होता। 6 मंथ पहले की बात की जाए तो 57.10 रुपीज़ प्राइस था, अप्रोक्सीमेट पैसा यहाँ पर आपका डबल हो चुका होता अगर आपने 6 महीने पहले टाटा पावर का शेयर खरीदा होता। 1 साल पहले की बात की जाए तो 1 साल पहले 40 रुपये का शेयर था और अभी तक आपका पैसा 3 गुना हो चुका होता। अगर बात की जाए 5 साल पहले अगर आपने पैसा लगाया होता तो आपका पैसा यहाँ पर अप्रोक्सीमेट जो है वो डबल हो चुका होता। ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है कि टाटा पावर के अंदर जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है उन सभी को मुनाफा मिला है और आने वाले टाइम पर भी आपको मुनाफा मिलेगा इसके शेयर में। और ये जो शेयर है आने वाले साल में मल्टीबैगर शेयर जो है वो साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि देखिए पावर सेक्टर के जितने भी शेयर हैं उन सभी के अंदर जो जबरदस्त ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। और इसका सीधा सीधा जो रीज़न है वो ये है कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो भी अब ज़्यादा फोकस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, सोलर एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से पावर सेक्टर की जो पूरी कंपनियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं और नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेकर आ रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में जिस तरह का भी मार्केट ट्रेंड रहेगा उसके हिसाब से कंपनी जो है प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकें। और उसी के बिहा पर टाटा पावर जो है वो भी काम कर रही है और इसके शेयर में भी जबरदस्त जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए न्यूज़ की तो न्यूज़ निकल के आई थी कि टेस्ला इन द टॉक्स विद टाटा पावर टू सेट अप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो आप सभी को पता होगा कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर हमारे इंडियन रोड्स के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो नजर आएंगे, तो उनको चार्ज करने के लिए जो पावर स्टेशन है उनकी भी जरूरत पड़ेगी। और कहा जा रहा था टेस्ला जो है वो टाटा पावर के साथ टाई अप करके ऐसे ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर क्रिएट करना चाहता है। ये न्यूज़ जो है वो वायरल हुई थी, जिसके बाद शेयर में जबरदस्त जो मूव है वो देखने को मिला था, जबरदस्त जो ग्रोथ है वो देखने को मिली थी। जब ये न्यूज़ वायरल हुई उसके बाद एक अलग से न्यूज़ जो है वो पब्लिश होती है, जिसमें कहा जा रहा है कि नो अरेंजमेंट और एग्रीमेंट्स फाइनलाइज्ड टाटा पावर ऑन टेस्ला, यानी कि वी कंफर्म दैट द न्यूज़ आइटम पब्लिश्ड इन द मीडिया डेटेड 12 मार्च 2021 इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, द कंपनी सेड इन ए स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग। यानी कि कंपनी कह रही है, टाटा पावर कंपनी कह रही है कि इस प्रकार का कोई भी अरेंजमेंट और एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ है जिसमें हम कह सकें कि टाटा पावर और टेस्ला जो है वो टाई अप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों, इस तरह की जो फेक न्यूज़ हैं वो कई बार मार्केट में आती हैं और उसके बाद आप सबको यहाँ पर पछताना पड़ता है, लेकिन इस न्यूज का भी कोई ज्यादा इफेक्ट जो है वो टाटा पावर के शेयर में नहीं पड़ने वाला, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। क्योंकि देखिए आने वाले समय में आप सभी को पता है कि टाटा पावर जो है वो कहाँ पहुंचने वाली है। अगर आप लोगों ने भी टाटा पावर के शेयर बाय करके होल्ड करके रखे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, सेल करने की गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और अगर आप लोग होल्ड करके रखेंगे तो आपका पैसा आपको पता नहीं कितने गुना ज़्यादा रिटर्न जो है वो देके जाने वाला है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।